नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति से। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब 10 इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो हमको पूछा क्या है, 10 ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे 10 ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो ए का मान 60 डिग्री लिख लेंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 10, 60 में 30 गया तो कितना बढ़ गया 30 डिग्री, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोश थीटा का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहां पर लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोश थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या बैठेगा, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री, तो ये बैठ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस कोस थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बैठा देंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, प्लस आइस का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 2 एक बार में, यानी √3 प्लस इधर एक बार में, तो एक बार गुना होगा तो √3 + 1/2, तो आप इसको क्या कुछ कर सकते हैं नहीं, तो ऐसा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है आपका, यदि 5 cos θ = 3 तो 3 tan θ का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हम 5 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, तो cos θ बराबर हो जाएगा 3/5, तो cos θ का मान जानते हैं हम क्या होता है, होता है इसका b/h, तो बराबर में हो जाएगा b का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 5, तो हमें p चाहिए, तो p निकालने के लिए इस तरह से निकालेंगे, यानी कि h² - यहाँ पर हो जाएगा आपका b², तो बराबर में h का मान कितना है आपका 5, तो 5² - b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3² बराबर दे करके यहाँ पर दे देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा माइनस ये 9 हो जाएगा, तो बराबर में 25 में 9 गया तो कितना आ गया 16, यानी कि p बराबर आपका 4 आ गया। तो हमें पूछा गया 3 tan θ, यानी कि 3 tan θ पूछा गया है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और गुना p, tan का मान क्या होता है p/b होता है, तो p का मान कितना है 4 निकला है, यहाँ पे 3 × 4/b का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये तीन कट जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा सिर्फ 4, तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।